राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर, और जहां मौजूद है वहां से कुछ दिनों पहले इंडिया गेट पूरी तरह से साफ नजर आया करता था, लेकिन अब की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मानो इंडिया गेट को स्मोक की घनी चादर ने पूरी तरह से अपनी चपेट में लिया हुआ हो। इंडिया गेट बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम पूरी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पूरी दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है PM2.5 पूरी दिल्ली के अंदर वो 336 दिखा रहा है। बेहद ख़राब श्रेणी ये मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली के अन्य इलाकों की बात करें तो पूसा रोड पर जो PM2.5 है वो 311 दिखा रहा है। इसके साथ ही अगर हम दिल्ली के अन्य इलाकों की तरफ चले तो लोधी रोड पर जो PM2.5 है वो 317 दिखा रहा है। इसके साथ ही अगर हम पहुंचेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो PM2.5 है वो जो है 391 दिखा रहा है, यानी कि 400 के बेहद करीब पहुँचने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पहुंचे नोएडा की तरफ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो PM2.5 है वो 391 यहाँ भी दिखा रहा है। बेहद ख़राब श्रेणी जो है वो दिखाई जा रही है। इसके साथ ही मथुरा रोड की तरफ की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर PM10 जो है वो 362 दिखा रहा है। बेहद ख़राब श्रेणी जो है वो दिखाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम पहुँचेंगे एयरपोर्ट की तरफ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो PM2.5 है वो 340 के पास दिखा रहा है। इसके साथ ही अगर हम आगे की तरफ चलें यानी कि गुरुग्राम की बात कर लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो PM2.5 है वो भी 300 का आंकड़ा पार कर चुका है, यानी कि यहाँ पर 323 दिखा रहा है। इसके अलावा धीरपुर की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो PM10 है वो 380 पहुँच चुका है, यानी कि बेहद ख़राब श्रेणी जो है वो दिखाई जा रही है। फिलहाल की बात की जाए तो दिल्ली सरकार बढ़े हुए प्रदूषण को देखते हुए ठोस कदम उठाने में लगी हुई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 नवंबर यानी कि आज से दिल्ली के अंदर BS3 और BS4 की जो बसें हैं डीजल की वो एंट्री नहीं कर पाएंगी, उन पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक CNG और BS6 वाली बसें जो हैं वही दिल्ली में एंट्री कर सकती है। तो लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं बच्चों और बुजुर्गों को कि वो सावधानी रखें। जो लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं और जो दिल की बीमारी से ग्रसित हैं वो खासा ध्यान रखें। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलें। तो साफ है कि डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं खांसी जुकाम के मरीजों का अस्पतालों में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को दिक्कतें ज़रूर आ रही है जिसके चलते लोग अस्पतालों की तरफ रुख भी कर रहे हैं। तो साफ है कि डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं कि इस पोल्यूशन में जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए अपना खासा ध्यान रखें, समय पर व्यायाम करें, समय पर भोजन करें, और बच्चे और बुजुर्ग अपना खासा ध्यान रखें। फिलहाल दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में स्थिति और गंभीर भी हो सकती है। कमिश्नर हरीश के साथ विवेक शर्मा, TV9।